राष्ट्रपिता महात्मा गांधी पर अभद्र टिप्पणी करने वाला कालीचरण गिरफ्तार। छत्तीसगढ़ में आयोजित धर्म संसद में महात्मा गांधी पर अमर्यादित टिप्पणी करने वाले कथित संत कालीचरण को मध्य प्रदेश के खजुराहो के एक होटल से गिरफ्तार कर लिया गया है। न्यूज 24 हिंदी के अनुसार ये गिरफ्तारी रायपुर पुलिस ने की है। छत्तीसगढ़ सरकार के उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार कालीचरण को रायपुर पुलिस ने खजुराहो से गिरफ्तार किया है और उसे अब रायपुर लाने की कार्रवाई चल रही है। वहीं छतरपुर पुलिस मामले में किसी भी तरह की जानकारी देने से इनकार कर रही है। सोशल मीडिया पर भी लोग इस मामले पर जमकर प्रतिक्रिया देते दिखाई दे रहे हैं। चौधरी विक्रांत नाम के यूजर लिखते हैं, लोकतंत्र में बापू का अपमान सहन नहीं किया जाएगा। अखिलेश शुक्ला नाम के यूजर ने लिखा, कानून सबके लिए बराबर है। गांधी के विचारों से आप असहमत हो सकते हैं, परंतु उन्हें गाली देने का हक आपको नहीं है। उपेंद्र नाथ नाम के यूजर ने लिखा, जिसने रामायण को पढ़ा, जिसने गीता को पढ़ा, दोनों का ज्ञान भव सागर में पार लगाने वाला है, उसके मुंह से नफरत का जहर नहीं निकल सकता। आपकी क्या राय है इस खबर को लेकर, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, बेल आइकन बटन जरूर प्रेस करें ताकि इस तरह की हर जरूरी अपडेट आप तक पहुंचती रहे।